हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन वड़ी की सब्ज़ी, जिसे हम चोया चंक्स पे कहते हैं। ये खाने में जितनी स्वादिष्ट है उतनी हेल्दी भी होती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मार्केट से मैंने ये पैकेट लिया था सोयाबीन वड़ी का। इसमें करीब 200 ग्राम के वड़ी के अंदर वड़ी है। एक बर्तन में हम इन वड़ियों को निकाल देंगे। अब 2 कप पानी लेंगे। 200 ग्राम वड़ी के अंदर हमें 2 कप पानी लेना है। गैस पर उबालने के लिए रखेंगे। हमें करीब 5 मिनट तक उबालने इन वड़ियों को और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उबालने के लिए रखेंगे। देखिए उबाला गया। अभी फ्लेम लो कर देंगे। बढ़िया उबल रही है, पक रही है 5 मिनट तक। तब तक हम पेस्ट तैयार कर देते हैं। ग्रेवी के लिए हम 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे। इसको हीट करेंगे। हीट होने के बाद 2 बड़े प्याज लिए, इसको स्लाइड कर दिया था। अब डालेंगे प्याज को। लाइट ब्राउन होने तक हमें पकाना है। गरम हमारा तेल अच्छे से हो जाए तब हम प्याज को डालेंगे। प्याज देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं। अभी 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देन मिक्स। 2 बड़े टमाटर जिसको स्लाइस कर दिया था वो भी डालेंगे। मिक्स करेंगे। एक हरी मिर्च काटी थी वो भी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छी और जल्दी से गल जाए। बस हमें इतना ही पकाना है और ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसका पेस्ट करेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। पेस्ट गाढ़ा बना था इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे। 5 मिनट बाद देखिए हमारी वड़ी पक गई है। और 4-5 बार हमने ठंडे पानी से वड़ियों को धो लिया था और अभी जो पानी है वो ठंडा है वड़ियों के अंदर, तो हम अच्छे से निकालेंगे। पानी को अच्छे से निचोड़ना है वड़ियों से। देखिए ऐसे दिखेगी। निचोड़ने के बाद हमारी वड़िया इसमें से बस अच्छे से पानी निचोड़ना है। अभी सब्जी के लिए हमें 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। अभी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इमीडिएटली हम वो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे ताकि हमारी लाल मिर्च पाउडर है वो जले ना। सारा पेस्ट डालेंगे। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें लो फ्लेम पर तब तक पकाना जब तक इसका ऑयल अलग से छूटने ना लगे। बाकी मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से चलाते रहेंगे और पकाएंगे। देखिए इस तरह से ऑयल छूटने लगेगा तो हमारी ग्रेवी बनके तैयार है। 2 उबले हुए हम
आलू लेंगे। मैंने ये उबले हुए आलू काट लिए थे, मिक्स करेंगे। वड़ी डालेंगे, पानी हमने सारा निकाल दिया था वड़ी के अंदर से। देखिए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक गिलास पानी डालेंगे। पहले अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद पानी डालना है। एक गिलास पानी डाला है, अभी फ्लेम को मीडियम रखना है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, कम लग रहा है इसीलिए। ढक कर एक मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए उबाल आ गया सब्जी के अंदर। अब धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग भी घर पर ज़रूर बनाएं।